बताएं। रमेश भूटानी, मैं मार्केट का चेयरमैन हूं और पिछले 40 साल से मैं यहां प्रेजेंट रहा हूं। भूटानी जी, 22 को रामलला भाई ने मार्केट वाले दुकानदार साहब भगवान रामलला के बहुत ही प्रेमी हैं, बहुत प्रेम करते हैं और बहुत सालों से ये उसका थी कि कब तक ये राम मंदिर बनेगा। तो हम हिंदुओं ने 500 साल तक इसका इंतजार किया है, अब वो दिन आ गया है जो कि 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसमें हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा झंडा जो है पूरा लगा हुआ है, मार्केट में लाइटिंग लगे हुए हैं, मंदिर को सजाया हुआ है। 22 को 12:30 बजे वहाँ मोदी जी ये करेंगे, तो यहाँ पर हम मार्केट में पूरा दिन 12 बजे से लेकर रात तक पूरा दिन भंडारा होगा, प्रसाद वितरण होगा और उसमें मंदिर में लड्डू का भोग लगेगा, लड्डू बरताए जाएंगे और बाकी सारी तरह का प्रसाद है। यहाँ पर खीर है, आलू पूड़ी है, मटर कुलचा है, उसके बाद आपका चावल राजमा है, ब्रेड पकौड़ा है, ये सारी चीज़ें पूरा दिन चलती रहेंगी। क्या यहाँ पर LED भी लगा कर दिखाया जाए? LED का एक लगा के स्क्रीन पूरी लोगों को वहाँ का जो लाइव है वो सारा दिखाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी आहूजा है। पिंकी जी, क्या कहेंगे 22 का, क्या तैयारियां INA में देख रहे हैं, मार्केट में पूरा झंडा लगा कर जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। हाँ जी जी, तो हम लोगों ने तैयारी करी है अपना, दोपहर 12 बजे से 22 तारीख को भंडारा शुरू होगा और रात तक भंडारा चलेगा, ये हर इच्छा तक भंडारा चलेगा। 22 तारीख के लिए बहुत खुशी है और इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ जी भी सोच नहीं सकते। इसी खुशी में सारे मार्केट वालों ने मतलब पूरी तैयारी करी है और पूरी मार्केट की तरफ से सहयोग मिला हुआ है। अच्छा, क्या मार्केट उस दिन बंद रहेंगे? नहीं, बंद नहीं रहेगी, पूरा काम चलेगा बट पूरी सेवा होगी उस दिन। तो यहाँ पर देख रहे हैं तरफ से वो है, खुशी है, खुशी की लहर है। कुछ राम भक्त गीत हो जाए बताइए, बोलिए क्या बोलूँ।